क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, अक्षों के बीच रेखा को बिंदु R जिसका निर्देशांक है h, के 1:2 के अनुपात में विभक्त करता है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग अंतःखंड निकाल लेंगे रेखा का, तो आसानी से हम लोग समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। x यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ एक्स डैश, यहाँ वाई और यहाँ पर वाई डैश। मैं एक रेखा इस तरह से ले जाता हूँ और इस रेखा पर बिंदु आर है, ठीक है, जिसका निर्देशांक एच कॉमा के, या ए, इसका निर्देशांक मैं ए कॉमा जीरो और इसे बी मान के इसका निर्देशांक जीरो कॉमा बी ले लेता हूं। मैं मान लेता हूं, माना रेखा का एक्स तथा वाई अक्ष पर अंतःखंड क्रमशः ए तथा बी है, ए तथा बी है, ए और बी अंतःखंड है, ठीक है। और चूंकि आर ए बी को 1:2 के अनुपात में बांटता है, तो आर का निर्देशांक जो होगा, आर का निर्देशांक आपके पास दिया है एच कॉमा के, तो हम लोग यहां लगा सकते हैं, हम लोग ए बी के लिए जब यह अनुपात 1:2 दिया है तो यहां पे हम विभाजन सूत्र लगा देंगे, क्या हो जाएगा, एज ए एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू वाई टू और ये एम और एन होगा, तो क्या हो जाएगा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा में 1+2 हो जाएगा एम प्लस एन, फिर एम एक्स वाई टू प्लस एन वाई वन बटा में 1+2 बराबर में एच कॉमा के, ऐसे ना हो जाएगा। मैंने विभाजन सूत्र लगा दिया, इसके लिए अनुपात दिया है और ये दो बिंदु दिए हैं और इसके ये आप आर बिंदु का निर्देशांक निकाल रहे हैं ना, और इसके बराबर हो जाएगा। चलिए 2a/3 और यहां से हो जाएगा b/3 बराबर में एच कॉमा के, तो 2a/3 बराबर में h और फिर b/3 बराबर में k, तो यहां से वैल्यू निकालते हैं। a का वैल्यू जो होगा 3h/2 हो जाएगा और b का वैल्यू 3k हो जाएगा, तो अंतःखंड आपका a और b है, इसलिए रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, रेखा का समीकरण हो जाएगा x/a + y/b = 1, x/3h/2 और y/ इसके जगह पे 3k बराबर में 1, ये ऊपर चला जाएगा 2x/3h + y/3k बराबर में 1। चलो आप एलसीएम ले लो, यहाँ पे 3hk तो 2k आ जाएगा x और यहाँ पे hy आ जाएगा, समझे ना, बराबर वन, ये उधर जाके गुणा करेगा 2kx + hy = 3hk, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए